नमस्कार साथियों, मैं गंगेश वाला श्रीवास्तव उप संजू सर मुंबई फिल्म फेडरेशन का ट्रेजरर व फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे यूनियन में लगभग फेडरेशन के थ्रू 5 लाख लोग हैं और ज़्यादातर हमारे मेंबर डेली वेजेस हैं। हम सब पूरे फेडरेशन के पदाधिकारी, पूरे अलाइड मजदूर यूनियन के पदाधिकारी काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। अपने मेंबरों का देखभाल ठीक तरीके से हमें लग रहा हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने अभी अलाइड मजदूर यूनियन के मेंबरों का जितने लोगों का पेमेंट आया था यूनियन में वो भी हमने बंटवा दिया है। बाकी का इंडस्ट्री हम लोग फेडरेशन के साथ मिलकर के केंद्र सरकार व राज्य सरकार से अपनी डिमांडें कर रहे हैं अपने मेंबरों को, क्योंकि गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकार माननीय उद्धव ठाकरे साहब काफ़ी लोगों को सहयोग राशि दे रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर बाहर के लोग हैं और उनके ना ही यहाँ पे राशन कार्ड्स हैं ना ही तो खुद के घर हैं, तो इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कतें को महसूस हो रहा है। इसके लिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, हमने पहले भी बोला था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काफ़ी सहयोग राशि दिया है। हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे मेंबर जो उनके साथ काम सालों साल करते आए हैं उनके लिए आगे हाथ बढ़ाएं। कुछ लोग बढ़ा भी रहे हैं, जैसे रोहित सिट्ठी ने 51 लाख रुपया दिया, यशराज प्रोडक्शन हाउस ने सारे मेंबरों का अकाउंट्स नंबर मांगा, सलमान खान जी ने पूरे अकाउंट्स नंबर मांगे। कुछ लोग अपने तरीके से थोड़े थोड़े सहयोग कर रहे हैं। फ्रेम्स प्रोडक्शन हाउस ने 5,000 लोगों का राशन वितरण का ऐलान किया हुआ है। ऐसे कई प्रोडक्शन हाउस हैं जो कर रहे हैं, लेकिन शायद जितना करना चाहिए उतने इंडस्ट्री के लोग, हमारे इंडस्ट्री के डेली वेजेस मेंबरों के लिए आगे नहीं आ रहे। तो सभी से अनुरोध है, इंडस्ट्री वालों से, जो भी प्रोड्यूसर और बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेंबरों को सहयोग दे। और हमेशा से इंडस्ट्री के लोग ने इंडस्ट्री के लोगों का सहयोग दिया है, इस समय भी हमें विश्वास है कि इंडस्ट्री के लोग डेली वेजेस मेंबरों के लिए ज़रूर आगे आएंगे। और कोई भी आप लोगों का अकाउंट्स नंबर या कुछ भी डिटेल मांग रहा है तो प्लीज़ मत दीजिए, कोई भी आपके कार्ड का अकाउंट नंबर का गलत उपयोग कर सकता है। हर यूनियन में आपके अकाउंट्स नंबर हैं, जो भी देना करना रहेगा यूनियन करेगी। और यूनियन के अलावा कोई बाहरी लोग, जैसे कुछ लोगों ने सुना है कि अकाउंट नंबर डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं, उससे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि आपका नुकसान हो। तो प्लीज़ किसी दूसरे को अपने अकाउंट्स नंबर, अपने डिटेल्स आप लोग नहीं दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि एक दूसरे से दूरी रहें और घर पे ही रहें, बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर ना निकले। हम सब फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी यूनियंस के लीडर हैं, अपने मेंबरों के बारे में हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार हम लोग हाथ जोड़ के फिर सर आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग घर पे ही रहें, किसी के बहकावे में ना आवें। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का हाथ जरूर आगे आएगा, हम जरूर आपको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और आपके अकाउंट्स यूनियन में हैं, आपको किसी को अकाउंट्स देने की जरूरत नहीं है, आपके जो अकाउंट्स हैं उसी में ट्रांसफ़र होएगा। कुछ लोग का जो अकाउंट्स नहीं होएगा वो हम 14 तारीख के बाद कलेक्ट करके कोशिश करेंगे कि उनको भी यह सहयोग राशि मिले। जो भी प्रोड्यूसरों के साथ मंथली काम कर रहे हैं उन वे निश्चिंत रहें, हम भले काम नहीं चल रहा है लेकिन प्रोड्यूसर बॉडियों से मिल करके हम उनकी पेमेंट पूरा दिलाने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी मेंबर का कोई भी पेमेंट काटेगा नहीं, पूरा टाइम पे देगा। ज़रूरत समझेंगे तो उन्हें एडवांस देंगे, लेकिन उनका पेमेंट पूरा मिलेगा। अभी अभी हमें खबर आई है कि अजय देवगन साहब ने फेडरेशन को डेली वेजेस मेंबरों के लिए 51 लाख रुपए का सहयोग राशि दिए हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, पूरी फेडरेशन इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद।